फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों बहुत ही बिग अपडेट यहां पे आई हुई है, क्योंकि दोस्तों यहां पे सत्र जो 2022 और 23 मतलब कि जो 2023 में अब की बार बोर्ड परीक्षा होगी 10वीं और 12वीं की, मतलब कि दोस्तों जो छात्र 9वीं और 11वीं कक्षा में एट प्रेजेंट यहां पे है उनके लिए महा खुशखबरी यहां पे आई है दोस्तों, क्योंकि कुछ यहाँ पे आपके परीक्षा पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है। पूरी अपडेट हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक लाइक एक शेयर एक कमेंट तो दोस्तों बनता ही है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक एक शेयर कमेंट आप कर दीजिए, लाइक करने में कोई कंजूसी ना छोड़े। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी फ्रेंड्स आप यहां पे देखिए अपडेट आई हुई है, 10वीं में 75 अंक का थ्योरी और 25 का आंतरिक मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो पूरी खबर पढ़ लेते हैं फिर उसको ध्यान से समझेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश बोर्ड के परीक्षा पद्धति में बदलाव किया गया है। अब अगले सत्र 2022-23 में प्रश्न पत्र बदलने पैटर्न पर तैयार किया जाएगा। इसके तहत नियमित व स्वाधायी विद्यार्थियों को 75 अंक की सैद्धांतिक और 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी। बिना प्रायोगिक वाले विषयों में 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। 25 अंकों में 15 का प्रोजेक्ट, 5 अंक का नोटबुक प्रस्तुतिकरण और 5 अंक तिमाही और छमाही परीक्षा के आधार पर मिलेंगे। यह बदलाव अगले सत्र से 9वीं व 10वीं में लागू होगा। वहीं स्वाधायी विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 75 अंक का सैद्धांतिक पत्र देना होगा। इसी 75 अंक के सैद्धांतिक पेपर के आधार पर 25 अंक का अधिभार दिया जाएगा। इसमें स्वाधायी विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा, मतलब कि जो स्वाधायी है। अभी हाल में माध्यमिक शिक्षा मंडल मासिम की पाठ्य चर्चा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मासिम यह प्रस्ताव तैयार कर परीक्षा समिति को भेजेगा, वहां से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू करते हुए नए नियम के मुताबिक इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर मासिम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर 10वीं में गणित का रिजल्ट कुल 100 अंकों से बनेगा। इसमें नियमित विद्यार्थियों के लिए 75 अंक का सैद्धांतिक थ्योरी पेपर होगा, जबकि 85 अंक आंतरिक मूल्यांकन से मिलेंगे। वहीं स्वाधायी के लिए पेपर सिर्फ 75 अंक का होगा, इनमें 25 अंक अधिभार से दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर किसी विद्यार्थी को 75 में से 60 अंक मिलते हैं, तो जबकि 100 अंकों में से रिजल्ट बनेगा, तो उन्हें 25 अंक का अधिभार देते हुए 80 अंक दिए जाएंगे। इससे स्वाधायी विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट बनाते हुए 100 में से 80 अंक दिए जाएंगे, जबकि उसे पेपर सिर्फ 75 अंक का हल किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं इस बात को। मान के चलो आप रेगुलर कैंडिडेट हो, आप स्कूल जाते हैं, तो रेगुलर कैंडिडेट के लिए क्या सुविधाएं हैं कि आपका जैसे 100 नंबर का पेपर होता था, तो पहले क्या था कि 80 का थ्योरी होता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, 75 का आपका थ्योरी कर दिया है, 25 का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा, जो स्कूल की तरफ से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम सबको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब पहले 80 की जगह मतलब 5 नंबर का और फायदा मिल गया, तो यहाँ 25 नंबर, जहाँ पहले 20 मिलते थे स्कूल की तरफ से, अभी आपको 25 मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं उनके लिए बिल्कुल बोनाजा ऑफर चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा, उसके बाद में 25, तो भैया आपको 25 में से 22 23 24 कुछ नहीं करना, लेकिन आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट उनका होता नहीं है कुछ भी। तो जो स्कूल की जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया है, प्राइवेट विद्यार्थी जिस स्कूल के वे हैं, तो वहाँ से उनकी जो कमेटी है, बोर्ड की कमेटी है, वो उनको मार्क्स देके उनको पास कर देगी। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी अपडेट है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको पल पल की अपडेट मिलेगी, एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपकी मार्क्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।